हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन इंजीनियरिंग गुरु 2020। आज हमारा सेवेंथ वीडियो है स्केचअप ट्यूटोरियल का। इसके पहले हम लोगों ने 6 वीडियो डाल चुके हैं अपने चैनल पे और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस हमारी चल रही है। मतलब ये पूरा ट्यूटोरियल जो पूरा प्लेलिस्ट होने वाला है एकदम फ्रॉम बिगिनर से लेके एकदम एडवांस तक हम लोग जाएंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके पहले सब्सक्राइब कर देना। आपको सिंपली यूट्यूब पे जाके लिखना है इंजीनियरिंग गुरु 2020, देन आपको जाना है प्लेलिस्ट के अंदर और वहां पे आप लोग को दिख जाएगा स्केचअप की पूरी प्लेलिस्ट। बढ़ते हम लोग अभी वीडियो की ओर। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने स्केचअप सॉफ्टवेयर के अंदर और ये अपना कुछ ऐसा व्यू पॉइंट है। और आज के ये वाले वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखने वाले कि आप कैसे सैंपल हाउस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को जितने भी जो टूल्स है विद द हेल्प ऑफ दैट टूल्स हम लोग कैसे एक सैंपल हाउस क्रिएट कर सकते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट सपोज कि मैं पहले लेता हूँ एक रेक्टेंगल और यहाँ से मैं सपोज कि मुझे चाहिए 20 तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से अभी 20 फिट कॉमा 30 फिट। ओके, सो ये कुछ अपना हाउस ऐसे रेक्टेंगल से बना हुआ है। जूम एक्सटेंड कर लेता हूँ, देन मैं अभी इसको कर लेता हूँ मूव। सो इंडिया के अंदर नॉर्मली जो हाउस की फीट रहती है, जो फ्लोर की फीट रहती है, वो 9.5 से 10 के बीच में रहती है। तो लेट सपोज कि मैं अभी ले लेता हूँ 10 फीट। ओके, सो और फिर यहाँ से मैं ले लेता हूँ मिड पॉइंट से। सो मिड पॉइंट, ओके, सो यहाँ से मिड पॉइंट से मैंने ले लिया है, एक सेपरेट कर लिया है। देन मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको फुल। लेट सपोज कि मैं इसको भी 10 फिट करता हूँ। ओके, तो ये कुछ अपना व्यू यहाँ से दिख रहा है। मतलब ये जो नॉर्मल सा अपना जो बेस है वो क्लियर हुआ है यहाँ से। और फिर मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ मिड पॉइंट से और ये वाले मिड पॉइंट से एक रेफरेंस लेके हम लोग चलते हैं। ओके, सो क्लिक हो गया। ये वाले मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट से एक रेफरेंस, ओके, स्ट्रेट के अंदर। देन इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ऐसा कुछ अपना अभी दिख रहा है ऊपर से। ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेता हूँ। देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बस सिलेक्ट और ये कंट्रोल प्रेस करके दूसरा सिलेक्ट। देन मैं इसको कर लेता हूँ मूव। तो ऐसे कुछ मूव हो रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, क्लियर हो गया कि आप मैंने क्यों किया ये वाला। ओके, देन अभी मैं एक इम्पोर्टेंट टूल आपको दिखा रहा हूँ कि आप वो टूल को कैसे यूज करना है। ये तो बेसिक वीडियो है, मतलब क्यों और कैसे आप लोग नॉर्मल डिजाइन बना सकते हो। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि प्लान कैसे क्रिएट करना है। हम लोग मतलब प्लान देख के कैसे अपना जो हाउस है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट टूल ये रहेगा टैप मेजर का। सपोज कि मैं इसको ले लेता हूँ 6 फीट, नहीं तो हाँ 6 ही ले लेता हूँ क्योंकि हम लोगों ने ये कितना रखा है 30 और 15 आएगा। सो 6 चलेगा अपना, इस साइड से भी 6। ओके, सो ये हम लोगों ने रेफरेंस लाइन ले लिए और यहाँ से लेट सपोज कि मैं 3 फीट पे लेता हूँ और इस वाले रेफरेंस से भी मैं ले लेता हूँ 3 फीट। एंड यहाँ से भी हम लोग एक खिड़की रख लेंगे। सो ये रेफरेंस लाइन्स तो हम लोगों ने गलती से ले ली। भी रेफरेंस लाइन को आप डिलीट कैसे कर सकते हो, सिंपली इरेज से आप लोग डिलीट कर सकते हो। एंड फिर से जाता हूँ मैं और यहाँ से ले लेता हूँ 3 फीट पे। के कौन से डायरेक्शन में बन रहा है, ओके, तो ये वाले डायरेक्शन में हमें बनाना है 3 फीट पे। देन ये वाले पॉइंट से भी हम लोग ले लेते हैं 3 फीट पे। ओके, और अप साइड से ले लेते हैं हम लोग 3 फीट और डाउन साइड से भी 3 फीट। ओके, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री रहना है। सो ये कुछ अपना हाउस ऐसे अभी हम लोगों ने लिया है, रेफरेंस लाइन लिए सारी। अभी ये रेफरेंस लाइन से हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सिंपली आपको जाना है पेंसिल पे। देन ये डोर अपना छोटा वाला डोर क्रिएट हो गया यहाँ से। देन यहाँ से हम लोग लेते हैं ये विंडो को बना लेते हैं।
ये तो एकदम रेफरेंस चीज है, मतलब आपको ऐसा सेम टू सेम नहीं बनाना है। ये तो मैं आप लोगों को बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग एक हाउस क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी दूसरी जो लाइन है वो सारी मैं इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि अपने को वो काम की नहीं है अभी। जो काम की थी वो हमने बना दी है। ओके, सो ऐसा कुछ हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अभी हम लोग लेट सपोज कि ये अपना डोर है, तो अभी डोर को हम लोग को ऑफसेट लेना पड़ेगा साइड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको टूल्स में दिखाया था। सो हम लोग ऑफसेट लेंगे, तो हम लोग ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज कि इसका ऑफसेट लेते हैं, तो ये देखो नीचे बन रहा है। सो हम लोग एक नई मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। सिंपली आपको जाना है सिलेक्ट के अंदर, ये वाली आपको सिलेक्ट करने, देन कंट्रोल, फिर से कंट्रोल से सिलेक्ट करने, देन आपको जाना है ऑफसेट के अंदर। और ये देखो आप एकदम सिंपली क्रिएट कर सकते हो। सो अभी मैं पुश और पुल करके इसको थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ। लेट सपोज कि मैंने इतना लिया और इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। सो सरफेस डिलीट करने के लिए आपको सिंपली इसको जाना है और ये डिलीट मार देना है। ओके, ये सिंपली आपको डिलीट हो गया। अभी इसका भी हमें ऑप्शन लेना है, तो ये तो सिंपल ही है, ऐसे बस आपको ऑप्शन लेना है, देन आपको ये सिलेक्ट करना है, ये डिलीट। ओके, तो ये सिंपली डिलीट हो गया। अभी हम लोग पुश एंड पुल कर से ये थोड़ा सा आउटसाइड को, थोड़ा सा आउटसाइड आ चुका है अभी। देन लेट सपोज कि मेरे को अभी बनानी यहाँ से एक चिमनी, तो चिमनी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। लेट सपोज कि मेरे को यहाँ से बनाना है, तो एक ऑफसाइड क्रॉस हो गया, यहाँ से ले लेते हैं अपसाइड, देन ऑन ग्रीन एक्सिस, देन ऑन ब्लू एक्सिस। अभी ये वाले ऑब्जेक्ट को आप एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ऐसे ही बना के एक्सक्लूड कर लोगे तो वो चिमनी नहीं रहेगी, मतलब पूरा जो हाउस है वो पूरा मूव हो जाएगा और डिजाइन आपकी पूरी बिगड़ जाएगी। देन आपको जाना है इसको मेक कंपोनेंट। ओके, सो ये अपना एक कंपोनेंट बन चुका है। अभी मैं इसको कर लेता हूँ सिंपली एक्सक्लूड, डबल क्लिक करके आपको करना पड़ेगा, देन आपको जाना है पुश एंड पुल। ओके, देन ये वाले सरफेस को मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी, देन इसको कर लेता हूँ मूव। लेट सपोज कि मैंने ऐसे अंदर मूव किया। ओके, तो ये अपनी जो चिमनी है ऐसी बन चुकी है। वैसे मैं एकदम सैम्पल हाउस ही आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। और लेट सपोज कि हम लोग अभी बना देते एक बाउंड्री, सो बाउंड्री के लिए भी सेम रहेगा। ये जो मेजर टूल है सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, सो आपको याद रखना पड़ेगा। लेट सपोज कि मैं इसको ले लेता हूँ अराउंड 10 फीट पे, देन यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से भी मैं ले लेता हूँ 10 फीट, अराउंड 20 ले लेता हूँ। देन ये तो हम लोग स्क्वायर बना लेंगे। सो अभी चलते हैं हम लोग पेन पकड़ते हैं। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने अभी हमारी बाउंड्री क्रिएट कर ली है हमने। सो ये दूसरी लाइन सब इरेज कर लेते हैं। तो लेट सपोज कि ये ले लेता हूँ मैं यहाँ से एक लाइन, ये ले लेता हूँ ये एक लाइन यहाँ से। ओके, तो ये लाइन अभी क्रिएट हो चुकी है और इसको सिंपली इरेज कर लेते हैं हम लोग। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे भी निकल गया है बाहर। ओके, अभी देन इसको मैं कर लेता हूँ पुश एंड पुल की हेल्प से अपसाइड। लेट सपोज कि मैं 5 फीट की वॉल ले लेता हूँ, मैं ज़्यादा अप नहीं चाहिए इसलिए। ओके, सो ये अपना कुछ ऐसे सैम्पल हाउस क्रिएट हो गया है। अभी मैं आपको यूज़ करना सिखाता हूँ कि आप भी डोर विंडो कैसे अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो आप आपके अंदर सिंपली जाना है विंडो के अंदर, देन आपको जाना है 3D वेयर हाउस में। अगर आपके में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, मेरे जैसे सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी है, वहां से जाके आप लोगों को वो साइट पे क्लिक करना है। तो मैं अभी ओपन कर देता हूँ वो साइट को। ओके, सो ये अपनी जो साइट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, सो वहां से जाके आप लोग ओपन कर लेना। और लेट सपोज कि मेरे को अभी डोर चाहिए, सो मेरे में तो वेयर हाउस का ऑप्शन क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। सो ये वाली साइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। और ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स, डायरेक्ट फर्नीचर भी आपको मिल जाएगी, विंडो मिल जाएगी, ऐसा कुछ मिलेगा आपको।
लेट सपोज कि मेरे को चाहिए अभी एक्सटर्नल डोर, ओके, तो ये कुछ ऐसे कुछ हमारे गेट आ रहे हैं अभी, हमें एक्सटर्नल गेट चाहिए, सो कौन सा गेट लेना चाहिए हमें? यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो अभी मैं सिंपली कोई भी एक गेट ले लेता हूँ। लेट सपोज कि ये मुझे ये वाला गेट चाहिए, सो आपको सिंपली जाना है डाउनलोड पे, देन आपको सिलेक्ट करना है अपना अपना जो स्केचअप ट्यूटोरियल का, मतलब जो स्केचअप सॉफ्टवेयर है उसका जो मॉडल रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। मेरा 2022 है तो मैं वो सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आप लोग के अंदर चल ही रहा होगा तो जो वेयर हाउस है, 3D वेयर हाउस, वो चल रहा होगा तो बहुत ही बढ़िया वाली बात है, मेरे में नहीं चल रहा इसलिए। देन अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल में, देन जाता हूँ इम्पोर्ट के अंदर, तो मेरा जो जितना भी डाउनलोड रहेगा वो फाइल्स यहाँ पे आएगी। लेट सपोज कि ये गेट रहेगा मेरा, ओके, सो ये गेट आ चुका है अभी बाहर की साइड, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे मूव। फिर लेट सपोज कि थोड़ा सा जूम करके मैं ले लेता हूँ, मुझे ये वाला यहाँ से चाहिए। अभी विद द हेल्प ऑफ हम लोगों ने जो एक देखा था टूल स्केल करके, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम लोग यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं, ओके। तो ये कुछ अपना सेट हो चुका है अभी गेट। अभी हम लोग सिंपली ले लेते हैं डोर, सो मैंने डोर भी इंपोर्ट किया है, डाउनलोड किया है, तो मैं पहले लेता हूँ ग्लास अपने विंडो को, और ये कुछ अपनी विंडो रहेगी। ओके, सो अभी मैंने जैसे तैसे करके कुछ सेट कर दिया है, क्योंकि अपना जो डायमेंशन है वो एकदम कंप्लीट नहीं है, इस वजह से हमारा सेट नहीं हो पा रहा था, तो अभी मैं कर लेता हूँ डोर को इम्पोर्ट, क्योंकि मैंने कंप्लीट डायमेंशन से नहीं किया, इसलिए अगर मैं कंप्लीट डायमेंशन से कर लेता तो मेरा हो जाता, लेकिन डायमेंशन हमारे कंप्लीट नहीं थे इस वजह से नहीं हुआ। देन फिर से वही आपको करना पड़ेगा सबके अंदर, देन फिर से इसको कर लेते हैं हम लोग मूव। लेट्स सपोज कि ये मेरे डोर को कुछ ऐसे ही अभी सेट कर लिया है, क्योंकि यार हम लोगों ने कंप्लीट डायमेंशन से नहीं किया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर पूरे कंप्लीट डायमेंशन से करते तो हो जाता एकदम कंप्लीट। हम लोग का ये जो हाउस है वो कंप्लीट हो चुका है। लेट सपोज कि मैं आप लोगों को मटेरियल्स भी दिखा देता हूँ, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है मटेरियल्स के अंदर, देन आपको कोई भी एक सरफेस, ये देखो, तो मैंने लेट सपोज कि ये वाली टाइल मैंने सिलेक्ट कर ली, ओके, देन आपको जाना है पेंट के अंदर, ओके, तो ये अपना जो रूफ है वो रूफ कंप्लीट हो चुका है यहाँ से। अभी हम लोग लेट सपोज कि अपने हाउस को कुछ विंडो, फिर टाइल्स, फिर टेक के ब्रिक, ओके, सो ब्रिक वाली ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और लेट सपोज कि एकदम सिंपली वाली मैं ब्रिक ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये अपना छोटा सा हाउस क्रिएट हो चुका है, और लेट सपोज कि मैं आउटर में ये वाली सारी ब्रिक कनेक्ट लेता हूँ अपने हाउस के। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे ये जो क्रिएट किया है। कलर्स में तो हमारे पास बहुत सारे कलर्स रहेंगे, और लेट सपोज कि मैं अभी ग्रास वाला डिजाइन ले लेता हूँ यहाँ पे अपने ये वाले जो सरफेस है। ओके, सो ये तो पूरा रूफ अपना है नहीं, सो पहले मैं रूफ को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो अपना जो कुछ हाउस है वो ऐसे कुछ बन गया अभी, और लेट सपोज कि मैं इसको अभी ग्रास दे लेता हूँ। ओके, सो ये कुछ अपना छोटा सा हाउस
मतलब ऐसे डमी मॉडल मैंने क्रिएट किया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम कंप्लीट हाउस है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे एरर दिखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये हम लोगों ने डायमेंशन नहीं लिया है। मैंने तो आपको सिंपली ये वीडियो के अंदर इतना ही मतलब एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे एक डमी क्रिएट कर सकते हो, एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो आप अपने आप, और मेजर टूल का यूज़ क्या होता है, फिर मटेरियल कैसे यूज़ करना है, और डोर और विंडो कैसे इंपोर्ट करनी है आप लोगों को, और अगर आपके अंदर 3D वेयरहाउस नहीं चलता है तो वो कैसे आप लोग डाल सकते हो, वो सब मैंने दिखाया ये वीडियो में। सो होप सो कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें प्लान कैसे पढ़ना है और कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वो प्लान से। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड बाय।